स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कहरोरा गांव में एक महिला की चोटी काटे जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है रात को सोते हुए महिला की चोटी कट गई, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई, जिसे तुरंत परिवार वाले अस्पताल ले गए, जहां हालात बिगड़ते देख डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। जब डायल 102 एम्बुलेंस को फोन किया गया तो एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया और अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। जब देरी से पहुंची एम्बुलेंस को देखा तो उसे भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। जब गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को बुलाया, मामला शांत हुआ। आइए सुनते हैं अस्पताल डॉक्टर को। उनके मरीज जो भर्ती थे खुशबू, उनके साथ के 50-60 लोग पूरे अस्पताल में आकर कार्बन कहाँ रखते हैं, तोड़फोड़, बलवा कार का शीशा, एम्बुलेंस 102 नंबर का शीशा तोड़ दिए, पूरे अस्पताल को क्षतिग्रस्त कर दिए। स्ट्रेचर, ट्राली, स्टाफ नर्स जो कि ड्यूटी पे महिला थी उसको दौड़ा लिया डंडा से। इनके हाथों में लाठी, डंडा, राड, ये सब चीज़। हम लोग अपनी जान बचा के किसी तरह अपने बंगले में गए, वहाँ भी ये लोग 100 की संख्या में आए। हमारा सिटकिनी उतनी डॉक्टर क्वार्टर का सिटकिनी, स्टाफ नर्स का सिटकिनी, वार्ड बॉय का साइकिल पंचर कर दिया, एम्बुलेंस का 102 नंबर का शीशा पूरा चारों तरफ तोड़ दिया। हमारे कमरे की सिटकिनी, हम अपनी जान बचा के भागे किसी तरह। नहीं, बाल कटे एक लड़की आई थी, उसका बाल कटा हुआ था, वो मतलब सीरियस थी, तो डॉक्टर साहब इलाज किए हैं, उसको आराम नहीं मिला है, उसको रिफ़र कर दिया गया है। रिफ़र करने के बाद में ये लोग 108 पे फ़ोन किए हैं, तो 108 वाले ना बात किए तो लोग से कह रहे थे कि हम लोग झाड़ फूँक कराने ले जाएंगे, तो एम्बुलेंस वाले नहीं आए हैं। फिर बस यही हुआ था, हम लोग यहीं बैठे थे, यहाँ सब मोहल्ले के लोग आ करके लगे मारपीट करने, एकदम कुर्सी, टेबुल, स्ट्रेचर, 102 नंबर का शीशा, दरवाजा, सिटकनी, आवाज तक पहुंच गए, लगे तोड़फोड़ करने। सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, उसके बाद भी अगर लोग ना समझे तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। मिर्जापुर से वासिम खान की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।